लिए और हमारे पार्टी के लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि हमारे जो नेता हैं परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, गरीबों का मसीहा, उन्होंने आज ऊर्जा भरने का काम करेंगे हम ही सब कार्यकर्ताओं को। सब तय नहीं कर रहा है कि मुझे किधर जाना है, तो वैसा कंफ्यूज आदमी हमने राजनीतिक जीवन में आज तक नहीं देखा है। कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज हैं। नमस्कार, इंफॉर्मेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। राष्ट्रीय जनता दल का आज 27वां स्थापना दिवस है। बातचीत के लिए साधु पासवान है हमारे साथ। आज तो आपके लिए बेहद खुशी की बात होगी, आप तो जानते ही हैं कि दो दो चीज़ है आपके लिए, बताइए क्या क्या है। देखिए, आज हमारे लिए और हमारे पार्टी के लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि हमारे जो नेता हैं परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, गरीबों का मसीहा, उन्होंने आज ऊर्जा भरने का काम करेंगे हम ही सब कार्यकर्ताओं को, और उनका ऊर्जा उनका देखकर हम लोग निश्चित तौर पर 24 इस बार फरिया लेंगे बीजेपी से, क्योंकि आज हमारे पार्टी का 27वां स्थापना दिवस के अवसर पर अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का भी जिला अध्यक्षों का, प्रदेश महासचिवों का, जिला प्रधान महासचिवों का एक महत्वपूर्ण बैठक भी है। हम लोग आज आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी संदेश देंगे कि हम लोग को कैसे पंचायत से लेकर प्रखंड से लेकर जिला तक बीजेपी को उखाड़ना है। सवाल ये भी है कि आज रामविलास पासवान जी मुझे याद है, आज मुझे खुशी भी है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जयंती है। मैं उन्हें चरणों पर मैं शीश झुकाते हुए मैं उन्हें नमन करता हूँ। अच्छा, ये बताइए चिराग पासवान को क्या कहिएगा? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जो व्यक्ति दिशा तय नहीं कर रहा है कि मुझे किधर जाना है, तो वैसा कंफ्यूज आदमी हमने राजनीतिक जीवन में आज तक नहीं देखा है। कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज हैं, वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि मैं इधर आऊं कि उधर जाऊं। कहा जा रहा है कि अब तो वो मंत्री बनने वाले हैं केंद्र में। मंत्री तो हम चाह थी दो साल से, जब से दो तीन साल से हम सुन रहे हैं कि मंत्री आज बनेंगे कल बनेंगे, अब 15 साल से सुन रहे हैं शादी आज होगा, अबरी छठ में होगा। 15 साल में तो हम यही सुन रहे हैं, इसलिए शादी और मंत्री उनके जन्म कुंडली में नहीं है। जन्म कुंडली में शादी भी नहीं है, शादी भी नहीं है जन्म कुंडली में, मंत्री भी नहीं है, मंत्री भी नहीं है। 7 तारीख को बनने वाले, अच्छा वो आने वाला समय बताएगा ना कि बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अभी तो उनका बीजेपी से तो अभी ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं कि हमको इतना सीट चाहिए, इतना सीट चाहिए। हाँ, ये सब व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के चलते अपना जमीन बेचने का काम किए, जिसके पिताजी का अपमान हुआ बीजेपी वाले ने किया, अपना जमीन बेच के ये लोग राजनीति करने वाले लोग हैं। बिल्कुल साफ तौर पर जमीन बेचकर राजनीति करने वाले लोग हैं। तमाम जो तस्वीरें हैं, बातें सुनाई है मैं आपने। मनीष प्रोडक्शन के साथ नमस्कार।